IPL 2019 में आपकी फेवरेट टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IPL का 45वां मैच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम ने पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया। मनीष पांडे ने इस मैच में 61 रन और डेविड वॉर्नर ने 37 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गवा कर 160 रन बनाए। हैदराबाद की पारी के 15वें ओवर में श्रेयस गोपाल की गेंद पर मनीष पांडे ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास गई, जिसे संजू सैमसन ने अपने हाथ में पकड़े रखा और जैसे ही मनीष पांडे ने अपना पैर उठाया, फौरन संजू सैमसन ने विकेट की बेस गिराकर मनीष पांडे को स्टंप आउट कर दिया। हालांकि गेंद को दोबारा देखने पर पता चला कि गेंद मनीष पांडे की बल्ले से भी लगी थी। मनीष पांडे ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।